Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. In the last video, we have completed structure and functions of plastids. Now, today we will start structure and functions of ribosome. ribosome की जो discovery सबसे पहले plant cell में की गई थी, जो Robinson and Brown ने की थी. इसके बाद animal cell में इसकी discovery की गई थी Paladay के through. पैलेडे ने इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था अपने एनिमल सेल्स में. और टर्म जो राइबोसोम दी गई थी ये रॉबर्ट्स ने दी थी, आरबी रॉबर्ट्स ने टर्म राइबोसोम दी थी. राइबोसोम की जो शेप होती है वो ओबलेट स्फेरॉइडल शेप होती है, ओबलेट स्फेरॉइडल शेप. इसके अलावा ये एक इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि ये मेम्ब्रेन लेस और सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी ये किसी भी सेल ऑर्गेनेल से बाउंडेड नहीं होता है. मैं इसके टू टाइप्स है राइबोसोम्स के, फर्स्ट फ्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम्स नाम से पता चल रहा है ये फ्री ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में या माइटो एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड्स में ये स्कैटर्ड होते हैं, फ्री होते हैं. बाउंडेड राइबोसोम्स हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें कहते हैं बाउंड राइबोसोम्स, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अटैच होते हैं. सेडिमेंटेशन कोफिशियंट के अकॉर्डिंग, इसके बेस के अकॉर्डिंग राइबोसोम्स थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स एंड 55S राइबोसोम्स. एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशियंट. 70S राइबोसोम्स ये कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है. हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में, इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है. और ये जो राइबोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये टू सब यूनिट से बनता है. ये इस तरह से देखिए, ये ऊपर वाली सब यूनिट है, इसको कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और नीचे वाली ये कहलाती है ऑबलेट शेप की होती है, ये स्फेरिकल शेप की होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो ये ऊपर वाली यूनिट स्मॉलर यूनिट सब यूनिट कहलाती है और ये लार्जर सब यूनिट कहलाती है. तो जो 70S राइबोसोम है उसमें स्मॉलर यूनिट 30S होती है और जो इस लार्जर सब यूनिट है वो 50S होती है. जबकि जो 80S राइबोसोम है, जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S और जो लार्जर सब यूनिट है वो 80S सब यूनिट होती है. थर्ड जो टाइप का राइबोसोम है 55S राइबोसोम, ये इसकी टू सब यूनिट है 35S एंड 25S होती है और ये जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, मैमिलियंस की माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है. लार्जर सब यूनिट डॉम शेप की होती है और स्मॉलर सब यूनिट ओवल शेप की होती है. और ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट रहती हैं और यूनाइट भी हो सकती हैं. तो इनका डिसोसिएशन और यूनाइट होना ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. इनका जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस होता है. दे यूनाइट टू फॉर्म राइबोसोम ओनली एट द टाइम, यानी कि जो इसकी दोनों सब यूनिट है वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही यूनाइट होती है, एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी रहती हैं. और प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़ा जाता है, एक चेन की तरह, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये सारे राइबोसोम्स हैं और ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं. राइबोसोम का अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो राइबोसोम मेनली आरएनए से, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है. इसके अलावा इसमें कुछ आयंस जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस में
ये पार्टिसिपेट करता है। तो ये था राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। थैंक यू।